वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब हमें ज्वाइन किया है जो मजाया शायरी, वो भी आपको हम सुनाएंगे, उनसे गाने भी गाते हैं और उसके साथ से जनाब खबरनाक का हिस्सा भी हैं और उसके अलावा कंपेयरिंग भी कर चुकी हैं और बहुत वर्सेटाइल किस्म के इंसान हैं। वेलकम करते हैं इम्तियाज अहमद कौकब साहब का, बहुत शुक्रिया आपके आने का सर। और जनाब इसके साथ साथ आज हम थोड़ी आपके फिजियोथेरेपी के हवाले से डिस्कशन करेंगे, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आसिफ साहब, उनको हम वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इम्तियाज साहब सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप थोड़ा सा अपने सफ़र के हवाले से हमें बताएं कैसे आगाज़ हुआ, अब चूँकि अब आप खबरनाक का हिस्सा भी हैं, मज़ाहिया शायरी भी है, तो थोड़े बैग में जाते हैं। बस स्कूल में पढ़े, स्कूल में असातिज़ा की नजर करम थी, हाँ। उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, हाँ। तो उन्होंने मुझे ले लिया, ड्रामा, फिर तकरीरें, फिर तिलावत, फिर नात, फिर लुड्डी, फिर भंगड़ा, कव्वाली, स्काउट्स रहा, स्काउट्स में रहा, स्काउट बना तो फिर प्रेसिडेंट जयालक से मैंने अवार्ड लिया 1981 में वहाँ क्वेटा में, तो वहाँ स्काउट से मोरी हुई, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर थी, मेरे इलाके के लिए ऑनर थी। मैं बेसिकली मैं दीपालपुर से हूँ, जिला उकाड़ा से, तो वहाँ ज़राअत भी बहुत अच्छी है, वहाँ हर तरह के बिजनेस बहुत अच्छा है, तजारत बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ अजहान भी बड़े अच्छे हैं, तो तालीम में, तदरीस में, साइंस में, शायरी में, आगो देखते थे हमारे शहर के बड़े तो मज़ाहिया शायरी बेसिकली बड़ी मुश्किल होती है, मुझे लगता है लोगों को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और आपकी फील भी चूंकि यही है, किस तरह से इसको आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट ये किया कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया है आपके सामने कि जब छोटे थे तो रेडियो सुनते थे, तो अनवर मसूद साहब की नज़में आ रही होती थी, जबरदस्त, तो वो सुन रहे होते थे, समीर जाफरी की नज़में आ रही होती थी, तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखा जब 1980 में हमने घर में टेलीविजन आया, तो देखा कि वहाँ सारे शायर जो हैं वो माशाल्लाह इस तरह की नज़में सुना रहे हैं, बड़ा दिल खुश होता था, हंसते थे, मुस्कुराते थे। और फिर हमारे शहर में ये ख़ास तौर पर शेख मोहम्मद सरवर जावी साहब, अहमद कामरान, जावेद रामिश, और फिर बड़े सीनियर और भी लोग थे, वो मुशायरे करवाते थे, और पाकिस्तान भर से जो मारूफ शायर थे, जो बड़े शायर थे, जैसे मुनीर नियाज़ी हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, और इसके अलेबर के शहजाद अहमद, इसके अलेबर के शोरा वहाँ तशरीफ ले जाते थे, तो हम उन्हें चाय पिलाते थे, उनके जूते सीधे करते थे, शौक होता था कि ये वो लोग हैं जो क्रिएटिव लोग हैं और दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया हुआ है, तो उनके शेर सुनकर पहले पहले हम शायरों को जो है वो ख़राब करते थे, उजाड़ देते थे, शोरा के खिलाफ नारे लगाते थे, लेकिन जब फिर बड़े हुए तो महसूस किया कि ये जर्म्स तो हम में भी हैं, फिर वो बच्चा वहीं जाता है ना ड्रामा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, शायर मुशायरा सुनने के लिए। अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? कुछ अभी आपको ये सुनाते हैं कि मिस ने क्लास विच आके आज आख्या, मिस ने क्लास विच आके आज आख्या, वहम ते यकीन ते जुमले बनाओ जी, मिस ने क्लास विच आके आज आख्या, वहम ते यकीन ते जुमले बनाओ जी, बच्चा एक उठिया ते कहन लग गया मिस जी, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਆਪਸੇ ਵੀ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ ਹਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਪ ਹਮੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਤਾਏਂਗੇ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ, ਆਪ ਕਹ ਰਹੇ ਤੋ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜਿਸ ਮੈਂ ਪੋਸਚਰ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, ਪੋਸਚਰ ਕੇਅਰ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ या मोबाइल फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनको नेक पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, तो उस वाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, और आप घर पे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसका हम डेमो देखेंगे। जी बिल्कुल, चले हम उससे चलते हैं। आप डेमो दिखाए हमें, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें ताकि हमारे देखने वालों को आइडिया भी हो जाए। ये हमारे पास एक पेशेंट थे जो हमारे पास आए, जो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से ये था कि इनको नेक पेन होता था, तो फिर हमने जो है इनको कुछ ट्रीटमेंट किया, उसमें हमने एक टेक्निक है जिसको हम मूलिगन कंसेप्ट बोलते हैं, और उसमें नेक्स और नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स, तो वो हमने इनको अप्लाई की थी, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज थी जो इनको घर पे करने के लिए कहा था, तो उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी तक बेहतर है, तो आज वही हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बेहतर घूम लें। बेसिकली नेक्स जो है वो थेरेपिस्ट जो है उसने खुद से करनी है, और जो एक्सरसाइजेस हैं वो पेशेंट खुद से करेगा। ठीक है, तो मैं इनको जो है इनको सपोर्ट करके प्रॉपर, तो उनको हम हर वर्टिब्रा को जो है प्रॉपर ऑसिलेटरी ग्लाइड्स इनको देते हैं, जिसकी वजह से ये है कि जब हम ग्लाइड्स देते हैं वर्टिब्रास को,
तो जो उनकी स्टिफनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद जो है हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि नेक आइसोमेटिक एक्सरसाइजेज हैं, तो हम वो करवाते हैं। ये पेशेंट खुद भी कर सकता है। तो आपने मेरे हाथ पे जोर लगाना है, ये पीछे की तरफ जोर लगाएंगे और 5 सेकंड इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, और इसको 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, 10 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली आगे की तरफ जोर लगाएंगे और अपना 50% एफर्ट का जोर लगा सकते हैं। आगे की तरफ जोर लगाएं और ये 5 सेकंड जो है इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, और इसको भी 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली साइड पर यहाँ पे भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। क्योंकि साथ यहाँ बैठे मोबाइल फोन नीचे यूज कर रहे हैं, आपके बैक के मसल्स वीक होते जा रहे हैं, तो हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और ये घर पर आप कर सकते हैं, बिल्कुल, पेशेंट खुद भी कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से भी ये आइसोमेटिक एक्सरसाइज ये कर सकता है। तो ये करते रहेंगे कम से कम 15-20 दिन करेंगे तो इनकी नेक पेन जो है मैनेज हो जाएगी। और इसके बाद ही करते रहें, क्योंकि आप, मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करें अपनी जॉब छोड़ दें, आप मोबाइल फोन पे काम करें काम बंद कर दें। तो आपने काम करते रहें अपना, लेकिन अपना पोस्चर ख्याल रखें, ठीक है, और सामने मोबाइल फोन सामने रख के यूज करें, कंप्यूटर सामने रख के यूज करें, और ये वाली एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ लोगों की बैठने का अंदाज, जैसे अब वो झुक कर या कंधों को ऐसे करके कहते हैं, वो एक प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें भी दर्द, उसके लिए क्या आप? अब बेसिकली वो उसके लिए होती है पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज। अब मैं ये बात करता हूँ, कंप्यूटर यूजर की एग्जांपल लेते हैं, वो यूं बैठ के काम करते हैं, ठीक है, और राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, तो होता ही है। उसके लिए हमने दो एक्सरसाइजेज हैं कि उनसे हम कहते हैं आपने हर घंटे के बाद ना अपनी एक्सरसाइज एक मिनट के लिए करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोनों अपने जो बाजू हैं पीछे की तरफ लेके जाने, 5 सेकंड होल्ड करना है और 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है, ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो फिर हम 90 डिग्री पे रखकर आपने बाजू को पीछे लेके जाना है और इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद आप दोबारा अपना काम करते रहे, उस घंटे के बाद जो साइकिल ब्रेक करना है, हाँ, साइकिल ब्रेक मतलब जो आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं उसको थोड़ा हाँ, उसको ब्रेक करना है और उसको रिट्रैक्शन करनी है। क्योंकि असल में कोई भी हम ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम यूं रख के काम करते हो, तो यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं क्योंकि आप बैठे ऐसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि आपने हर घंटे के बाद अपना पोस्चर चेंज करना है और इरेक्ट होकर बैठना है, सीधा होकर बैठना है। जब आप यूं बैठे थोड़ी देर सीधा हो जाए तो ये जो है ना आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आपको चाहिए कि आप एक फिजिकल थेरेपी से कंसल्ट करें, वो आपका सेशन लें और उसके बाद आपको होम प्लानिंग के लिए एक्सरसाइजेस बता दें। आपने इरेक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया तो हमने बचपन में पढ़ा है कि सिट इरेक्ट, यस, वॉक इरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंड इरेक्ट, यस। ऐसा होता ही था बचपन में, सबसे ज्यादा होता था टीचर कहता सीधे होके बैठे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया सीधे होके बैठने का मतलब क्या, मतलब हमें हमेशा ये होता था। अब जब क्लियर हुआ, मतलब हो सकता है टीचर्स को भी नहीं पता, वो हम जब स्वस्थ पड़ जाते हैं ना तब वो कहते थे सीधे होके बैठो, स्ट्रेट स्ट्रेट होके बैठे, मतलब होता था कि जागो जागो, मतलब होश में आओ, थोड़ी टेंशन दो, और हम लोग बस ऐसे होके बैठ जाते फिर सुस्त पड़ जाते। अच्छा इम्तियाज साहब, आपकी जानी आऊंगी, कुछ गाने के भी आप शौकीन हैं, हमने सुना है, तो मैं सुनाता हूँ आपको गीत के, है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई दरनिया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आसमां, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। अच्छा, ये नेचुरल निकल रही है आवाज, नेचुरल। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब भी मौजूद, आसिफ साहब चूंकि भी आप हमें डेमो करके बता रहे थे, लेकिन डेफिनेटली ये फील्ड बड़ी टेक्निकल भी है और लोगों को खुद भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि घर पर किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, तो घर पे जो लोग अफराद करते हैं उनके लिए कुछ एहतियाती टिप्स वगैरह जो आप देना चाहें। जी, असल में होता ही है कि अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया है तो आपको पहली प्रायोरिटी पे जो है एक फिजिकल थेरेपी से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज गाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो डेमोन्स्ट्रेट किया कि नेक आइसोमेटिक्स करनी है, पेशेंट क्या करते हैं, उनको बता दिया, कहते हम तो बहुत अरसे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने कहा आप करके दिखाएं, वो ऐसे कर रहा होता है, एंगल ही चेंज कर देता है, क्योंकि छोटे छोटे मसल्स है, इनके स्पेसिफिक मूवमेंट्स है और स्पेसिफिक एंगल्स पे ही ये लोग मसल्स काम करते हैं। तो आप जो हम पेशेंट से कहते हैं आपने एक्सरसाइज करनी है लेकिन मिरर के सामने खड़े होकर करनी है, ठीक है, ताकि आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से कर सकें।
तो इसलिए जो है ना, फिर हम पोस्टर करेक्शन के लिए हमने कुछ अभी जो मटेरियल भी हम बनाते होते हैं जो पेशेंट को दे देते हैं कि आप इनको देख के जो है ना घर पे एक्सरसाइजेस करें। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए या इस तरह की जो आप कह ले फील्ड है, कितने ज्यादा लोग इसमें हैं? देखिए, अभी जब से DPT स्टार्ट हुआ है सन 2008 या 2009 से, उस टाइम के बाद से तो बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सर्टिफाइड बुलिगम प्रैक्टिशनर हूँ, तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 3 लोग काम कर रहे हैं। 2 लोग जो हैं वो क्लिनिकल सेटअप पे काम कर रहे हैं, मैं क्लिनिकल सेटअप और एकेडमिक सेटअप दोनों में काम कर रहा हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मेरा एम है वो तो ये है कि ना सिर्फ पेशेंट को ठीक किया जाए बल्कि इस नॉलेज को आगे फैलाया जाए, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए। इस सिलसिले में हम वर्कशॉप भी करते हैं, लेक्चर्स भी रखवाते हैं, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली हमने इस तरह का एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो बात यह है कि अब जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आगे कैसे स्पेशलिटी की तरफ जाना है, कहाँ कौन कौन प्रोग्राम्स होने हैं, तो इंशाल्लाह आगे हम इसको करते भी। अच्छा, मैं चाहूंगी जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं उनके हवाले से भी कुछ हमें डेमो आप बता दें। अब जो पैरालाइज पेशेंट हैं उनके लिए अगर हम करते हैं तो बिल्कुल आप उधर जा सकते हैं, आप डेमो करके हमें दिखा दें ताकि बेसिकली। तो उसके लिए तो ये है ना कि हमारे लिए एक बेड या कोच होना चाहिए था, ठीक है। अब लेकिन जैसे ये पेशेंट हैं और एक पैरापलेजिक पेशेंट, जिस तरह से जो एक्सीडेंट कोई हो गया जिसकी वजह से दोनों लेग जो हैं वो काम नहीं कर रही होती, तो फिर हम उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं। उनके लिए एक होता है कि हमारे पास एक वॉल बनी होती है जिसको पकड़ के खड़े होते हैं, हम प्रॉपर सपोर्ट कर रहे होते हैं, सिट टू स्टैंड की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की हम एक्सरसाइजेस उनको करवाते हैं। कुछ हमारे पास मशीनें होती हैं जिसको इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें जो नर्व स्टिमुलेटर है, नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, जिससे वो करंट की सेंसेशंस आती हैं और वो मसल जो है ट्रेंड होते हैं और वो पेशेंट जो बेहतर होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ये लंबा काम है, रिहैब का जो काम है थोड़ा सा लेंथी है। जो फालिज के पेशेंट हैं, जो लकवा के पेशेंट्स हैं, जैसे जो पैरापैलेजिक हैं, जो जिनके हम बात करते हैं दोनों लेग्स जो हैं काम नहीं कर रही, तो उनको जो है ट्रेंड किया जा सकता है और ये पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। मसला ये है सिर्फ कि लोगों का अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कि हमने किनके पास जाना है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास वो बार वगैरह नहीं है, तो पेशेंट को जो है पैरापैलेजिक पेशेंट के लिए भी डेमोंस्ट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बैक में अक्सर लोगों के पेन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ टेंशन की वजह से ये वाले मसल्स भी स्ट्रेस की वजह से, तो उनके लिए किस तरह के? अब जो हम ये दो अलग अलग बातें, एक है कि आपकी जो टेंशन इंड्यूस जो आपके सर्वाइकल पेन होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए सिंपल एक्सरसाइजेज हैं कि आपने क्या करना है, आप बैठे हुए तो आप चिन टक करना है, आपने इसको पीछे की तरफ लेके जाना है ताकि बैक के जो आपके मसल्स हैं ये काम करें। तो हम पेशेंट से कहते हैं, पेशेंट क्योंकि ये करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, सम टाइम एंगल चेंज कर देता है, तो हम उससे कहते हैं आप ऐसा करें जब आप लेटे हों आपने सर से तकियों को दबाना है, पीछे अपने पिलो को प्रेस करना है, पिलो रखा हुआ आप पीछे के लेके जाएंगे और ये वाली प्रेस एक्सरसाइज करनी है, इसको 5 सेकंड करना है और उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिपीट करना है। रात को सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें तो आपकी जो ये टेंशन की वजह से मसल्स जो आपके खींचते हैं ये खींचना बंद हो जाएंगे, उनमें स्टेमिना डिवेल्प हो जाएगा बेसिकली। तो सेकंड आप जो क्वेश्चन आपका है वो बैक पेन के वाले से है। बैक पेन मोस्टली किन लोगों में होती है, जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं या प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, ठीक है, ये बैंकर्स में होती है, ये कंप्यूटर यूजर्स में होती है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का दौर है तो हर बंदा जो है बैक पेन के वाले से, उनको क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जैसे अभी बैठे हुए ये ना बड़े रिलैक्स माहौल में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनसे कहते हैं आपको हम ये तो नहीं कहते कि अपना रिलैक्स माहौल खत्म करके आप बहुत ही आर्मी ऑफिसर बन जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन आपने साइकिल को तोड़ना है। साइकिल को कैसे तोड़ना है, तो हम उनको एक टिल्टिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट, आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है। हम पेशेंट से कहेंगे बिल्कुल सीधा होकर बैठें एंड खुद को रिलैक्स कर दें, ठीक है, फिर सीधे हों और 5 to 10 seconds को होल्ड करें एंड रिलैक्स कर दें। इस ना आपने 10 times इसको रिपीट करना है, ये आप हर घंटे के बाद इसको रिपीट कर लें, ठीक है। तो जितना मर्जी आप प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, जैसे मर्जी आप कंप्यूटर यूजर्स हैं, तो आपको बैक पेन नहीं होगी, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैक पेन हो रही है और आप उसकी आपकी मेडिसिन से या आपकी एक्सरसाइज से क्योर नहीं हो रही, तो फिर आपको लास्ट में तो पे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको साथ साथ इलेक्ट्रोथेरेपी की भी जरूरत है, ठीक हो गया। उम्र के हिसाब से भी जब उम्र बढ़ती है, जी जी, 50 से आगे निकलता है, तो फिर तो वो बैठने की वजह उम्र की वजह से होगा। देखें, दो चीजें होती हैं, एक तो ये मैकेनिकल पेन है जो आपके पोस्चर के साथ से है, ठीक है, लेकिन जो उम्र के साथ हो रही है वो डिजनरेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हड्डियां घिसना शुरू हो जाती हैं, मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन आना शुरू हो जाती है। लेकिन उसको भी क्योर किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, जो आपको मैनुअल थेरेपी के जरिए और इलेक्ट्रोथेरेपी के जरिए ट्रीट करे और उसके बाद आपका पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस आपको ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ और मजाया शायरी अगर आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं जी, ये वक्ती शायरी का है, क्योंकि इतनी टेंशन है, मसाइल हैं, बिल्कुल, तो इसमें अगर शराफत होगी, मजा होगा, हाँ जी, तो फिर वो लोग जो हैं उससे मैं समझता हूँ निकलेंगे थोड़ा सा और खुशगवार मूड आएगा। डॉक्टर दे कोल आज आया एक मर्द है, हाँ। औरतें तो आती रहती होंगी ना, बिल्कुल, लेकिन आज मर्द चला गया। डॉक्टर दे कोल आज आया एक मर्द है,
ڈاکٹر صاحب آپ کے سننے کے لیے سننا بالکل. ڈاکٹر دے کول آج آیا ایک مرد ہے, کہنے لگا ڈاکٹر جی جتھے جتھے انگل لانا اتھے مینو درد ہے. ڈاکٹر نے آخیا ایکس رے چکا لو. ڈاکٹر نے آخیا ایکس رے چکا لو, بن جائے ایکس رے تے مینو وکھا لو. چھتی چھتی جا کے انہیں ایکس رے چکایا ہے, آ کے انہیں ایکس رے ڈاکٹر نو وکھایا ہے. ویخ ویخ ایکس رے ڈاکٹر حیران ہے. آپ دیکھتے ہیں نا لائٹ میں, جی جی بالکل. ویخ ویخ ایکس رے ڈاکٹر حیران ہے, آخدا مریض نو تو کانو پریشان ہے. دتا انہیں ایکس رے تے پھر انہوں لیکچر ہے, دتا انہیں ایکس رے تے پھر انہوں لیکچر ہے. او پتر تینو کچھ بھی نہیں, انگل ہی فریکچر. ملا وہ کہتا ہے کہ جتنے جتنے انگل لانا ہوتے میں نے درد ہے, انگل فریکچر ہے, انگل ہی فریکچر ہے. زبردست زبردست زبردست. تو اسی طرح میں ایک چھوٹی سی اور نظم ہے, ضرور ضرور, تو وہ میں ضرور سناؤں گا. وہ آپ نے کباڑیا سنا ہوا ہے, کباڑیا پرانی چیزیں دیتے ہیں لیتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک دن میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے, تو پھر مجھے کچھ چند لائنیں سی اللہ تعالیٰ نے عطا کی, میں نے لکھی پھر کہ مائی 90 سال دی لنگھی یہ بازار چوں, مائی 90 سال دی لنگھی یہ بازار چوں, منہ ہوں چوریاں دے نال لے گئے پریا, ایک مشٹنڈا انہوں کور ویکھدا, ایک مشٹنڈا انہوں کور کور ویکھدا, مائی مسٹنڈے نو خوب سنائیاں نے, او تیرے گھر ماواں پینا چاچیاں نہ تائیاں نے, پوچھ دے نے مائی نو دکاندار رل کے, پوچھ دے نے مائی نو دکاندار رل کے, او مائی جی بازار وچ کانو رولا پایا جے. کہن لگی جدوں وی بازار میں آنی ہاں پاڑ پاڑ دیدے مینو ویکھدا ہے لانتی. ہس کے دکاندار کہن لگے مائی نو او ایندی کسے گل دا وی برا نہ منانا جی, یہ تو کباڑی ہے شہر دا پرانا جی. گزارش یہ ہے کہ اپنا رملا جی, اگر اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں جہاں معاشی طور پر لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں, جب وہ اور طرح سے مسائل کا گھریلو پریشانیوں سے میں سمجھتا ہوں پریشان ہیں, اور حکومتوں سے لوگ پریشان ہیں, اور حکومتوں سے ہمیشہ ہی لوگ پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ نعرے کچھ لگاتی ہیں اور وہ کام نہیں کرتی جو کہ ہمارے لیے ان کو قوم کے لیے ملک کے لیے عوام کے لیے کرنا چاہیے, تو پھر لوگ پریشان ہیں کسی حد. تو اس پریشانی کے دور میں جب آپ مزاح کی طرف جاتے ہیں, جب آپ ظرافت کی طرف جاتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کی خون کی شریانیں جو ہیں وہ زیادہ کام کرتی ہیں, اور پھر بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ توانا ہو کر گزرتا ہے, اور روح کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی. اس میں ہم ہنسنے ہنسانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور اسی شکل میں اگر مزاح طنز و مزاح میں آپ کو مل جائے تو بہت فریش بھی ہو جاتا ہے انسان. نہیں نہیں فریش ہوتا ہے جی. اور جو آپ کا پروگرام ہے خاص طور پر, میں یہ مبارکباد پیش کروں گا لاہور نیوز کو خاص طور پر اور اس پروگرام کے پروڈیوسر کو کہ آپ لوگوں نے جاگو پاکستان کا مطلب, میں نے جب جاگو لاہور دیکھتا ہوں جاگو لاہور, تو آپ صرف لاہور کو نہیں جگا رہے, آپ لاہور کے صرف افراد کو نہیں جگا رہے, آپ کوئی مردوں کو نہیں جگا رہے, خواتین کو نہیں جگا رہے, بچوں کو نہیں جگا رہے, آپ سوئوں کو بھی جگا رہے کہ بھی اٹھو اور اس طرح سے پاکستان آگے بڑھے گا, اس طرح سے لاہور آگے بڑھے گا, اور لاہور جو ہے وہ دل ہے پاکستان کا, اور یہ آگے بڑھے گا تو آپ کو پتا پورا پاکستان آگے بڑھے گا. اچھا جی محمد آصف صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال, کہ فیزیوتھراپی جو بیسکلی پروسیجر, اس میں میڈیکیشن آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو فزیکل تھراپسٹ ہے وہ 5-year پروگرام ہے, اس کے اندر آپ پراپر میڈیسن سارا کچھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی پیشنٹ نے میڈیسن ہی لینی ہو تو آپ کے پاس کیا کرنے آ رہا ہے, تو پھر میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں جائے گا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ میڈیسن نہ دیں بلکہ اس کو کچھ ایسی ایکسرسائزز بتائیں جس کی وجہ سے وہ جلدی بہتر ہو جائے اور وہ پرولونگ چلے, ٹھیک ہے. اگر کوئی لوگ اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں جی اگر تو آپ کو اپنی فیلڈ پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ کی سکلز جو ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہیں, ان کو امپروو کریں, آپ اپنی سکلز سے پیشنٹ کو
ٹھیک کریں, بس اگر اس نے میڈیسن لینی ہے. فیزیوتھراپی کے تو پرپز یہی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ڈاکٹرز کی جانب سے ریکمینڈ کی جاتی ہے, اور اس کے لیے پراپر ان کو پتا ہوتا ہے پوائنٹس کس کے ذریعے آپ کس طرح سے کیور کر سکتے ہیں. ٹھیک, ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کولیبوریشن سے کام کریں, میڈیسن ڈپارٹمنٹ اپنی میڈیسن دے اور آپ جو ہیں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کولیبوریشن سے کام. ایسے ہی بالکل ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں, اسی طرح کی پریکٹس ہے وہاں پہ. آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ اور جو ان کا میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے ریفر کرتا ہے ایکسرسائزز کے لیے, ہم ان کو اپنی جو ہماری ٹیکنیکس ہیں ان سے کے ذریعے ہم کو ٹھیک کرتے ہیں, میڈیسن وہاں سے جو میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے. زبردست زبردست. چلیں جناب ایک چھوٹا سا میسج ہم امتیاز صاحب سے لیں گے, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے. امتیاز صاحب کو میسج آپ دیکھنے والے کو دینا چاہیں. میسج دیکھنے والے کو یہی ہے کہ محنت کریں, جدوجہد کریں, کوشش کریں, کاوش کریں, اسٹرگل کریں, اور ود آؤٹ اسٹرگل محنت اگر آپ سمجھیں کہ صبح اٹھیں گے تو سرانے کے نیچے کروڑوں اربوں ڈالر پڑے ہوں گے تو یہ نہیں. محنت کوشش اور کاوش سے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں اور اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص جو نوجوان محنت کرتا ہے آخر کار وہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں جو گولز ہیں ان کو اچیو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت شکریہ محمد صاحب آصف آپ کے بھی آنے کا. جناب آپ سے ہم اجازت لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل. فیڈ بیک کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لاہور کا, جہاں آپ ہمیں فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں, اور آج کا اگر آپ نے شو مس کیا ہے تو شام 5 بجے رات 1 بجے ریپیٹ بھی ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.